तो मेरा गला क्या सूख रहा है? नहीं पता नहीं वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कोई ना, फर्स्ट टाइम है ना, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे बहुत सेवा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, बाबा ने बहुत काम करवाने हैं, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर कुछ गलत बोलू ना तो माफ कर देना बच्ची समझ के, क्योंकि प्रैक्टिस है, तो धीरे धीरे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी तो अच्छा कर दूंगी देखना। जब मैं सुबह आई तो मैं आशा बहन से मिली, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई, मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली, और जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा के साथ कैसे मिले, कैसे आए, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरा भी थोड़ा टेस्ट ले लो। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौर गिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आपने वीडियो देखा स्टार्टिंग में, शहनाज ने कितने बिंदास अंदाज में जो है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बीके शिवानी जी के सामने, आपको बता दे, ये सारे जो हैं बातें कह डाली हैं। और शहनाज ने कितने क्यूटनेस से जो है, शहनाज ने ये कहा कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों, कल 7 बजे जो है, 7 तारीख को जो है शहनाज आने वाली हैं 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक लाइव। और आपको बता दें किस जगह आएंगी लाइव, कैसे आप देख पाएंगे शहनाज को लाइव, किस तरह से आप रूबरू हो पाएंगे शहनाज से, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये शूटिंग चल रही है इस वक्त शहनाज की, और रिकॉर्डेड वीडियो जो है कल दिखाया जाएगा 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और आपको बता दें शहनाज को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा पंजाब से चलकर जो है पूरी की पूरी फैमिली, गिल परिवार जो है वो आया है शहनाज के पास। और शहनाज के माता जी को तो आप देख ही सकते हैं, शहनाज के बिल्कुल साथ में बैठी हुई हैं, ताकि शहनाज जो है बिल्कुल भी नर्वस ना हो। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि रीटा माँ ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं, और रीटा माँ के कहने पर ही जो है शहनाज यहाँ पर गई हैं गुरुग्राम में, और आज जो है शहनाज का शूटिंग चल रहा है, और उसी की इनसाइड वीडियोज़ जो है मैं आपको इस वक्त लाइव दिखा रही हूँ। शहनाज ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें कही हैं सबके सामने, जितनी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी, जितनी भी पॉजिटिविटी शहनाज के अंदर है, वो सारी की सारी रख डाली हैं, और जिससे लोग इंस्पायर हो पाएँ, अच्छी बातें, अच्छे काम करने की शहनाज ने जो है वादा किया है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से सलमान करते हैं, डोनेशन करते हैं, शहनाज भी पंजाब गए थे तो पीछे डोनेशन किया था बहुत बड़े बड़े, और अनाथ बच्चों से भी मिली थी। साथ ही सिद्धार्थ भी इसी तरह के काम किया करते थे, और आज जो है शहनाज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, तो सिद्धार्थ की जगह जो है शहनाज को दी गई है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हो शहनाज का रिश्ता, सिद्धार्थ के साथ शहनाज का प्यार बॉन्ड, और रीटा माँ कितनी ज़्यादा जो है, कितना अधिकार दे रखा है शहनाज को, ये सब तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। वेल आपको बता दें शहनाज पीले कलर की सूट में बेहद प्यारी लग रही हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी मोटिवेशनल बातें की हैं शहनाज ने, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो जो है कल आपको देखने को मिला यूट्यूब चैनल पर, ब्रह्म कुमारीज का यूट्यूब चैनल है। आपको बता दें दोस्तों, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के नाम से जो है यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर शहनाज जो है लाइव आने वाला, जो कि दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस तरह से आप सर्च करोगे ना तो आपको ये जो चैनल है वो मिल जाएगा, और वहाँ पर जो है शहनाज आपको कल 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लाइव दिखाई देंगे। बहुत कुछ होने वाला है कल, टाइम टू टाइम मैं आपसे एक एक चीज़ें जो है वो भी शेयर करती रहूँगी। उसके लिए आपको करना होगा बस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी प्रेस कर लेना होगा। आपको बता दें दोस्तों, शहनाज आज स्पॉट हुई एयरपोर्ट पर, और आज सुबह सुबह रवाना हुई थी गुरुग्राम के लिए। आज ही शहनाज शूटिंग करेंगी, और कल जो है आज रात को हो सकता है तो शहनाज वापसी भी कर सकती हैं। आपको बता दें शहबाज भी मौजूद हैं, रीटा माँ भी मौजूद है गुरुग्राम में, और शहनाज को सपोर्ट करने के लिए जो है सलमान खान बताए जा रहे हैं कि फ़ोन करके शहनाज को जो है ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, बेस्ट ऑफ लक कहा है। और आज जो आप कॉन्फिडेंट देख रहे थे शहनाज को एयरपोर्ट पर, शहनाज का जो लुक आपको देखने को मिला और कॉन्फिडेंस दिख रहा था शहनाज के अंदर, वो पहली बार इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि रातों रात बहुत कुछ चेंज आ गया है शहनाज की लाइफ में। शहनाज ने 4 लोगों की जरा 15 लोगों को फॉलो कर लिया, जिसमें एक रणवीर सिंह भी शामिल हैं। आपको बता दें बहुत ही जल्द शहनाज जो है रणवीर सिंह के साथ भी प्रोजेक्ट करती हुई नज़र आएंगी, और साथ ही आपको बता दें ईद कभी दिवाली में तो नज़र आने ही वाली हैं। बहुत जल्द शूटिंग शुरू होगी ईद कभी दिवाली की फिल्म की, जिसके साथ आपको बता दें आयुष शर्मा और शहनाज कौर गिल दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। तो मेरा गला क्या सूख रहा है? नहीं पता नहीं वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कोई ना, फर्स्ट टाइम है ना, प्रैक्टिस है।
सेवा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, बाबा ने बहुत काम करवाने, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर कुछ गलत बोलू ना तो माफ कर देना बच्ची समझ के, क्योंकि प्रैक्टिस है, तो धीरे धीरे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी तो अच्छा करूंगी, देखना। जब मैं सुबह आई तो मैं आशा बहन से मिली, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई, मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली। और जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा के साथ कैसे मिले, कैसे आए, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरा भी थोड़ा टेस्ट ले लो,